21 साल बाद भारत में फिर से तूफान से तबाही का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठा अम्फान तूफान तेजी से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों की ओर बढ़ता जा रहा है। अम्फान का पहला प्रहार पारादीप पर होगा, जहां अभी से तेज अंधड़ के साथ बारिश शुरू हो गई है। अम्फान के दोपहर बाद दीर्घा तट से टकराने के आसार है। तकरीबन 100 किलोमीटर दूर तूफान के केंद्र में करीब 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान अम्फान अब बहुत तेजी से पश्चिम बंगाल के तट की ओर बढ़ रहा है। सुपर साइक्लोन तट के किनारे की ओर जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही और खतरनाक होता जा रहा है। तूफान सबसे पहले उड़ीसा से पारादीप से टकराएगा। पारादीप से तूफान की आहट दिखने लगी है, जहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। वहीं उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि चक्रवाती तूफान इम्फान सुंदरबन के करीब से पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटीय इलाके यानी दीर्घा और हटिया द्वीप समूह के बीच से होकर गुजरेगा। तूफान तटीय इलाकों में दोपहर के बाद दस्तक दे सकता है। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज अलर्ट।